अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, टुडे और बुक इज़ मैथ स्किल्स वन। ये वन क्लास की बुक है और ये मैथ स्किल्स है। सो किड्स, आज हम इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, आज हमारा यूनिट है जो बहुत ही खूबसूरत सा है, आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 8 एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूनिट 8। सो किड्स, आज हम जो लर्निंग से हम जो सीखेंगे, यानी लर्निंग आउटकम्स, यानी लर्निंग करने के बाद आज जो हम सीखेंगे, सीखने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू, यानी ये जो यूनिट है कंप्लीट करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि नाउ एज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिससे बच्चे जो है वो जान सके कि मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर इसके बाद रिकोगनाइज द सिंबल यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन टेबल 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है इन्हें क्या करेगा, टेबल भी इन्हें पढ़ने बहुत ही अच्छे से तरीके से आ जाएंगे। सो आपने इसमें क्या करना है, टेबल भी पढ़ना है। मल्टीप्लाई नंबर विद मल्टीप्लीकेशन टेबल 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के ज़रिए से आपने टेबल को भी सीखना है कि कौन कौन से 1, 2, 3, 4 एंड 5 को। सो किड्स, आज हमने बहुत ही खूबसूरत सा मल्टीप्लीकेशन के आज हमने क्वेश्चन को सीखना है जी। तो मल्टीप्लीकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर, रिपीटेड मीन्स दैट द सेम नंबर इज़ एडिंग अगेन एंड अगेन। चले हम देखते हैं पहले बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा लेसन है, उसमें हमने देखा कि व्हेन 3 इज़ एडिड 2 टाइम इट्स मेक 6। अब हमने 3-3 के पेयर्स को, यानी 3-3 के दो हमारे पास क्या हैं, एक तरह के हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में 3 फुटबॉल्स हैं जबकि दूसरे ग्रुप में 3 क्या हैं, 3 बास्केटबॉल्स हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 3 फुटबॉल्स हैं और सेकंड नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास कितने हैं, 3 बास्केटबॉल हैं। जब 3 फुटबॉल को प्लस करेंगे, यानी ऐड करेंगे हम लोग 3 बास्केटबॉल के साथ, सो हमारे पास जो इज इक्वल आएगा वो 6 आएंगे। कैसे, देखिए 1, 2, 3 फुटबॉल्स प्लस 1, 2, 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 फुटबॉल्स। सो इट्स मीन व्हेन 3 इज एडिड 2 टाइम इट्स मेक 6, जब हम 3 को ऐड करेंगे 2 दफ़ा तो हमारे पास जो है आंसर वो 6 आ जाएगा। इट्स मीन 2 टाइम्स 3 इज इक्वल 6 और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6। सो नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें जो है वो बताया गया है, ये वाला हमारा साइन है जो मल्टीप्लाई में इस्तेमाल होता है। कौन सा साइन है, ये वाला साइन है, साइन इज़ यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये वाला साइन जो है वो यूज़ करते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। सो 1, 2, 2 फ्लावर प्लस 1, 2, 2 फ्लावर प्लस 1, 2, 2 फ्लावर प्लस 1, 2, 2 फ्लावर इज इक्वल टोटल जो है फ्लावर, यानी कि हमारे पास 2, 2 के पेयर्स हैं जो हमने कितने ग्रुप में ऐड किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और हर एक ग्रुप में कितने कितने हमारे पास फ्लावर हैं, 2, 2 फ्लावर्स हैं। सो इट्स मीन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल 8। इट्स मीन 4 टाइम्स 2 इज इक्वल 8, यानी 4 टाइम 2 इज इक्वल 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8। सो किड्स, मूव ऑन नेक्स्ट पेज, also next page, page number 56 and also unit is unit number 8 and concept of multiplication. So worksheet fill in the blanks, अब हमने क्या करना है, filling the blanks करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 2 plus 2 is equal 4, it's mean 2 multiply 2 is equal 4, so 2 plus 2 plus 2 इज इक्वल 3, यानी 3 के हमारे पास पेयर है ना, 1, 2, 3, 3, 3 multiply 2 इज इक्वल 6, 3 multiply 2 इज इक्वल 6। टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इट्स मीन 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 2 यानी 4 multiply 2 इज इक्वल 8। नाउ नेक्स्ट, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इट्स मीन 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम 2, सो 5 multiply 2 इज इक्वल 10। नेक्स्ट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इट्स मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम 2, 6 multiply 2 इज इक्वल 12।
नेक्स्ट थ्री वन थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इट्स बीन वन टू थ्री फोर फोर टाइम थ्री सो फोर मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल ट्वेल्व फोर मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल ट्वेल्व नाउ नेक्स्ट टेन प्लस टेन टेन प्लस टेन इट्स बीन टू वन टू टू टेन वन टू टू टेन टू मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल ट्वेंटी नेक्स्ट फोर प्लस फोर प्लस फोर इट्स बीन वन टू थ्री थ्री टाइम फोर सो थ्री थ्री मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल थ्री मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल ट्वेल्व नाउ नेक्स्ट फाइव प्लस फाइव वन एंड टू टू टाइम फाइव सो टू मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टेन नाउ नेक्स्ट वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इट्स मीन कितने टाइम आया हमारे पास वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सो सिक्स मल्टीप्लाई वन इज इक्वल सिक्स सिक्स को अगर हम लोग वन टाइम करें तो वो सिक्स ही आएगा नेक्स्ट फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इट्स मीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम फाइव सो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल थर्टी Now next, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus. So it's been 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 3. So 7 multiplied 3 is equal. 7 multiplied 3 is equal 21. Now next, 4 plus 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 4. It's been kitne time hai hamare paas 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एट टाइम हमारे पास फोर है सो फोर मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल एट मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल थर्टी टू एट मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल थर्टी टू सो किड्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज On next page also page number 57 and on page number 57 unit number 8 and also table of 1. So objective kya hai inke? Make children understand and learn the multiplication table of 1. Isse kya karenge? Bache samajh sakenge multiply karne ke yani multiplication ke तरीके को कि वन का टेबल उन्होंने कैसे सीखा सो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें डॉट लगाकर बहुत ही खूबसूरत सा बताया गया है जैसे हमारे पास यहाँ पर वन है सो वन टाइम वन इज वन सो वन मल्टीप्लाई वन इज वन नेक्स्ट वन टू टू टाइम वन इज टू टू मल्टीप्लाई वन इज टू वन टू थ्री थ्री टाइम्स वन इज थ्री इट्स मीन थ्री मल्टीप्लाई वन इज थ्री Next, 1, 2, 3, 4. 4 times 1 is 4. 4 multiply 1 is equal 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 1, yani 5 dafa 1 aaya na, 5 times 1 is 5. It's mean 5 multiply 1 is equal 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 1 is 6. सिक्स टाइम्स वन इज सिक्स बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वंस कितने थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम वन थे ना हमारे पास इसलिए वो वन ही सिक्स ही कहलाए सो सिक्स मल्टीप्लाई वन इज इक्वल सिक्स नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो सेवन टाइम्स वन इज सेवन इट्स मीन सेवन मल्टीप्लाई वन इज सेवन नाउ नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Eight times one is eight. It's mean eight multiply one is equal eight. Next, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So nine times one is nine. It's mean nine multiply one is equal nine. Next is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So ten times one is ten. So it's mean ten multiply one is ten. So kids, page number 57 is done. Move on next page. On next page, unit number 8 and also table is 2. So objective is make children understand and learn the multiplication table of 2.
सो किड्स, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर टेबल सीखना है, बहुत ही खूबसूरत सा। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग इसको देखते हुए सीखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टू के टेबल को भी सीखेंगे। सो अब हम यहाँ पर एक एक पेयर में देखेंगे कि एक एक पेयर में कितने उसके अंदर डॉट्स हैं, यानी 1 2। सो इट्स मीन ये हमारे पास वन पेयर हो गया है। सो हमने क्या करना है, इनको साथ साथ काउंट करना, और साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, इसको पढ़ना है। सो वन वन, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप तो वन है, लेकिन इसमें पेयर्स कितने हैं, 1 2, यानी 2 का हमारे पास एक पेयर है ना। सो इट्स मीन 1। सो 1 टाइम 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 2। नेक्स्ट 1 2, 2 टाइम्स 2, हमारे पास 2 टाइम्स 2 है ना, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4। नेक्स्ट 1 2 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 6। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 इज 12, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 इज 14, सो 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 14। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 इज 16, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 इज इक्वल, इट्स मीन 9 टाइम्स 2 इज 18, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 18। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 इज 20, इट्स मीन 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 20। जिसके टेबल हम ऐसे पढ़ते, 2 वन्स आर 2, 2 थ्रीज आ, यानी 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 फोर्स आर 8, 2 फाइव्स आर 10, 2 सिक्स आर 12, 2 सेवन्स आर 40, 2 एट्स आर 16, 2 नाइन्स आर 18, 2 टेन्स आर 20। सो किड्स, आज हमारा जो है वो पेज नंबर 58 डन हुआ, इट्स मीन हमारे 2 का टेबल भी डन हुआ। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज ऑल्सो पेज नंबर 59 एंड टेबल ऑफ 3 यूनिट नंबर 8। सो किड्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, लर्निंग के तरीके को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीखेंगे। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है, और इस ग्रुप में कितने कितने हमारे पास डॉट्स हैं, यानी बीड्स कितने कितने बने हुए हैं, 1 2 3। सो इट्स मीन 1 1 टाइम 3, क्योंकि 1 टाइम में 3 आया हुआ है, यानी 1 ग्रुप में हमारे पास 3 डॉट्स आए हुए हैं। सो इट्स मीन 1 टाइम 3, सो 1 1 टाइम 3 इज 3, इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 3। सो किड्स, इसी तरह आपने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बुक में से पढ़ना है। सो 1 2, 2 टाइम्स 3 इज 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6। 1 2 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, सो 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। सो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 12। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 15। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 इज इक्वल 18, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 18। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 3 इज 21, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 21। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 3 इज 24, 8 मultiply 3 is equal 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 3 is 27, 9 multiply 3 is equal 27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times 3 is equal 30, 10 multiply 3 is equal 30. So हमने 1 3 का टेबल कैसे पढ़ना है, सो हम 3 का टेबल ऐसे पढ़ सकते हैं, यानी क्लास में अक्सर हम अमूमन देखें तो हमें कैसे पढ़ाया जाता है, 3 वन्स आर 3, 3 टूज आर 6, 3 थ्रीज आर 9, 3 फोर्स आर 12, 3 फाइव्स आर 15, 3 सिक्स आर 18, 3 सेवन्स आर 21, 3 एट्स आर 24, 3 नाइन्स आर 27 एंड 3 टेन्स आर 30। सो किड्स, इसी के साथ हमारा 3 का टेबल भी कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज ऑल्सो पेज नंबर 60। इसमें भी हमने वैसे ही तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से 4 के टेबल को सीखना है। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ग्रुप है, और अब एक ग्रुप में हमारे पास कितने कितने डॉट्स हैं,
वन टू थ्री फोर, सो इट्स मीन हम आप फोर का टेबल कर रहे हैं. सो चले हम अपने काम को शुरू करते हैं. सो वन, वन टाइम फोर इज़ फोर, वन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल फोर. वन टू, टू टाइम्स फोर इज़ एट, टू मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल एट. वन टू थ्री, थ्री टाइम्स फोर इज़ ट्वेल्व, थ्री मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल ट्वेल्व. वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स फोर इज सिक्सटीन, फोर मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल सिक्सटीन. वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स फोर इज ट्वेल्व, ट्वेंटी. फाइव मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल ट्वेंटी. नाउ नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स फोर इज ट्वेंटी फोर, सिक्स मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल ट्वेंटी फोर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम्स फोर इज ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी एट. सेवन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल ट्वेंटी एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टाइम्स फोर इज थर्टी टू, एट मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल थर्टी टू. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइम्स फोर इज थर्टी सिक्स, नाइन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल थर्टी सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन टाइम्स फोर इज फोर्टी, टेन मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल फोर्टीन. सो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं फोर के टेबल को. फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर, फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, फोर एट से 32, फोर नाइन से 36, फोर टेन ज़ा 40. सो किड्स, पेज नंबर 60 कंप्लीट हुआ. इसके साथ ही हम पेज नंबर 61 पर, आज जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 8 है. सो आज हम यहाँ पर कौन सा टेबल सीखेंगे, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का सीखने के बाद अब हम 5 के टेबल को सीखेंगे. चले तो हम अपने काम को शुरू करते हैं. प्यारे बच्चों, जैसे हमने पिछले टेबल्स में देखा कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में हमने क्या किया, डॉट्स को काउंट किया. सो इट्स, इस ग्रुप में हमारे पास कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 5. सो इट्स मीन हम अब 5 का टेबल पढ़ेंगे. सो 1, 1 टाइम 5 इज 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 5. 1 2, 2 टाइम्स 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 10. 1 2 3, 3 टाइम्स 5 इज 15, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 15. 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 इज 20, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 20. नाउ नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25. 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 5 इज 30, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 30. 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 5 इज 35, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 35. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 5 इज 14, 40, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 40. नाउ नेक्स्ट, एक दफा से इसे फिर देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 5 इज 40, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 5 is 45, 9 multiply 5 is equal 45. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times 5 is 50. It's mean 10 multiply 5 is equal 15. सो हम इसे क्लास में कैसे पढ़ते हैं टेबल, जब हम क्लास में याद करते हैं. सो हम ऐसे याद करते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45, 5 टेन ज़ा 50. सो किड्स, पेज नंबर 61 इज़ डन, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. एंड ऑल्सो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62, एंड टॉपिक इज़ मल्टीप्लाइंग नंबर. अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, मल्टीप्लाइंग नंबर. ये यूनिट नंबर 8 है. यूजिंग टेबल 1 2 3 4 एंड 5, आप तभी मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब तक आपको 5 के टेबल याद नहीं होंगे, आप नहीं करेंगे. सो इट्स मीन आपने सबसे पहले 1 टू 5 तक अपने टेबल्स को क्या करना है, याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से. ये हमारे पास एक वर्कशीट है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट. हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आपने भी घर में टेबल सीखने हैं जिससे आपको भी मल्टीप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो. सो किड्स, चले हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं. सो इट्स मीन 3 times 2 is 6, 3 times 2 is 6, 4 times 5 is, 4 times 5 is 20. So,
यानी 9 2 हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और हमें इसे कैसे पढ़ सकते हैं, यानी 2 times यानी 3 times 9 जो है, 3 times 9 या 2 times 9 हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सो हमारे पास ऊपर क्या है, 9 है, और नीचे क्या है, 2 है। सो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 9 सो 2 9 times 18 सो 3 6 times 18 4 7 times 28 5 5 times 25 4 6 times 24 2 7 times 14 4 8 times 32 5 3 times 15 1 6 times 6 3 4 times 12 3 7 times 21 4 2 times 8 5 7 times 35 2 6 times 12 1 8 times 8 5 2 times 10 4 4 times 8 3 9 times 4 4 times 16 3 4 times और यहाँ पर क्या है, 9 3 9 times 27 सो किड्स पेज नंबर 62 इज डन, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पेज नंबर 63 यूनिट नंबर 8 मल्टीप्लाइंग नंबर्स। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास वर्कशीट है, कलर द करेक्ट आंसर, हमने क्या करना है, करेक्ट आंसर पर कलर करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर्स को यूज़ करेंगे। चले तो हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास था 3 4 times 12 सो उन्होंने हमारे लिए एक डन की हुई है ताकि हम अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। सो 5 6 times 30 सो 2 7 times 40 4 8 times 32 4 5 times 20 3 10 times 30 1 7 times 7 2 10 times 20 4 9 times 36 5 5 times 25 सो किड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपनी वर्कशीट को डन किया, और साथ ही हमने 1 to 5 तक टेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आपने भी घर में बहुत ही अच्छे तरीके से इन टेबल्स को रिवीजन करना है, इनको बार बार लिखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाए। फिर आप टेबल सीख जाएंगे जब, तो फिर आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आपको आ जाएंगे, फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। और लाइक बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अपने काम को मुकम्मल करते हैं। सो किड्स इसी तरह हमने भी अपने काम को कंप्लीट किया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट नंबर 8 को कम्प्लीट किया। सो आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट नंबर 8 को भी कम्प्लीट करना है। सो किड्स मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।